लगता है कांग्रेसी नेताओं को या तो पाकिस्तान या आतंकियों से कुछ ज्यादा ही प्रेम है, या फिर कांग्रेसी नेताओं ने हिंदुस्तान और हिंदुओं को बदनाम करने की जैसे ठान ली है। अभी हाल ही में शशि थरूर का एक बयान आया, उन्होंने लिखा है कि अगर 2019 में बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो वो अपने हिसाब से संविधान लिखेगी और उसका संविधान ऐसा होगा कि देश यानी कि हिंदुस्तान हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। शशि थरूर जैसे नेताओं का ये बयान हिंदुओं को और हिंदुस्तान को दोनों को बदनाम करने वाला बयान माना जा सकता है। क्या लिखा है शशि थरूर ने वो हम आपको समझाते हैं। उन्होंने लिखा है कि नया संविधान हिंदू राष्ट्र के सिद्धांतों पर आधारित होगा जो अल्पसंख्यकों के समानता के अधिकार को खत्म कर देगा और देश को हिंदू पाकिस्तान बना देगा। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों ने ऐसे मुल्क के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी। ये शशि थरूर का अपना कहना, ये उनकी दलील है। लेकिन अब जरा सोचिए, कुछ दिन पहले हम आपको लिए चलते हैं, सैफुद्दीन सोच ने क्या कहा कश्मीर पर, गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर पर किस तरह की सोच व्यक्त की थी। कांग्रेसी नेताओं की इस सोच से साफ छलकता है कि या तो वो पाकिस्तानी आतंकियों के साथ खड़े हैं या फिर ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। शशि थरूर के इस बयान के बाद कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और आपको ये भी याद होगा कि जब सैफुद्दीन सोज और गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं ने कश्मीर के खिलाफ, देश के खिलाफ बयान दिया या सेना के खिलाफ बयान दिया, तब भी राहुल गांधी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, और उनकी तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया और ना ही इन नेताओं के बयान का कांग्रेस ने खंडन किया। अब रही बात शशि थरूर की, तो उनके बयान का भी अभी तक कोई खंडन नहीं हुआ है। हालांकि बीजेपी ने शशि थरूर को निशाने पर लिया है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि शशि थरूर ने जो कुछ भी कहा उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, जाहिर तौर पर माफी मांगनी चाहिए। जो हिंदुस्तान को हिंदू पाकिस्तान बनने की बात सोच रहे हैं शशि थरूर, हमारा देश संविधान से चलता है, संविधान संप्रभु है, यानी सबसे ऊपर हमारे देश में संविधान है। क्या शशि थरूर या कांग्रेस के प्रोफेसर साहब को इतना भी पता नहीं? संबित पात्र आगे कहते हैं कि कांग्रेस जिम्मेदार थी देश में जो हालात या कश्मीर को लेकर जो हालात पैदा हुए। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से कांग्रेस के नेता भारत को नीचा दिखाने और देश के हिंदुओं को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्र ने ट्विटर पर भी कांग्रेस पर हमला बोला है। बहरहाल इंतजार है कांग्रेस की तरफ से कि क्या वो शशि थरूर के इस बयान का खंडन करती है या नहीं, और क्या शशि थरूर के इस बयान को हम कांग्रेस की लाइन माने।